सो हे गाइस, वेलकम टू इशी वाइब्स एंड दिस इज़ हाउ योर इशी वाइब्स लुक्स इन रियलिटी। मुझे आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना है क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस कि अभी मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ अपनी जर्नी में कि जहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ अपना फेस रिवील करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली जो आज का व्लॉग है इट इज़ ऑल अबाउट हेल्प यू, सो जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड। आपके लिए एक सरप्राइज है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो हम लोग एलपीयू के बारे में हर चीज़ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स, देन कोर्सेस, हॉस्टल, मेस एंड कॉलेज लाइफ एंड योर एडमिशन प्रोसेस। हमारा पहला पॉइंट है प्लेसमेंट्स। सो जब हमारी प्लेसमेंट्स की बात होती है तब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि प्लेसमेंट्स में सबसे ज़्यादा पैकेज किस कोर्स को मिलता है एलपीयू में। सबसे ज़्यादा पैकेज वाली कंपनीज बीटेक सीएससी को मिलती है, लाइक इन द स्टार्टिंग फेज कि बीटेक सीएससी के पास कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं आती थी जिसका एलपीए 10 LPA से कम हो। सो अकॉर्डिंग टू मी किस कोर्स में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पैकेज मिलता है वो है बीटेक सीएससी। सो लाइक मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लाइक अगर आपको जानना है कि लाइक आपकी लाइफ प्लेसमेंट्स के बाद कैसी हो जाती है तो मैंने एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बनाई है। आई विल बी कीपिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन वॉच द वीडियो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपना सेकेंड पॉइंट। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ये है कोर्सेस। तो एलपीयू में 130 प्लस कोर्सेस मिलते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाली होगी जिसमें कि आपको एलपीयू के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे और उस कोर्सेस की जो ट्यूशन फीस होती है वो भी उसमें है। और आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है, अगर आपको अपना कोर्स एक्सचेंज प्रोग्राम चूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसमें सपोज़ आपको फॉरेन जाना है एलपीयू से, लाइक आपकी फ़ीस सेम लगेगी बट आपको फॉरेन में जाके आपको पढ़ना है तो वो चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं एलपीयू से। चलिए अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हॉस्टल। ओके, सो हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल में 8 हॉस्टल्स है फ्रॉम BH1 to BH8 और गर्ल्स हॉस्टल में 6 हॉस्टल्स हैं फ्रॉम GH1 to GH6। सो बेसिकली मैंने खुद ने मैंने ऑलमोस्ट 5 ईयर्स रही हूँ एलपीयू में, तो मैंने सारे गर्ल्स हॉस्टल कवर किए हैं कि गर्ल्स हॉस्टल 2 कैसा है, गर्ल्स हॉस्टल 3 कैसा है, गर्ल्स हॉस्टल 4 कैसा है, 5 कैसा है, 6 कैसा है। तो उस चीज़ के हॉस्टल्स के बारे में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो एक सेपरेट वीडियो होगी यहाँ पर पॉपअप होगा शो, तो उस पर क्लिक करो तो आप वो हॉस्टल वाला वीडियो देख सकते हो। सपोज़ आपको हॉस्टल में नहीं रहना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हॉस्टल फीस ज़्यादा है और आपको हॉस्टल में नहीं रहना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप हॉस्टल के बाहर पीजी में भी रह सकते हो। तो एक और ऑप्शन हो गया आपके पास कि आप बाहर पीजी लेके या फ्लैट लेके बाहर रह सकते हो। आप थर्ड पॉइंट आता है कि हॉस्टल में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बेसिकली बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ के लिए तो ऐसा कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो हॉस्टल के बाहर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। गर्ल्स शाम के 6 बजे के बाद बाहर शाम के 6 या 7 बजे के बाद बाहर हॉस्टल से जाने नहीं दिया जाता। प्लस अगर आपको लीव चाहिए तो उसकी भी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, लीव डे लीव होती है, नाइट लीव होती है और एक्सटेंडेड लीव होती है, तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है। तो आप जब हॉस्टल में आओगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। नाउ कम्स टू अवर फोर पॉइंट विच इज़ फूड। तो एलपीयू में फूड कैसे मिलता है, तो एलपीयू में बेसिकली आप हॉस्टल का मेस फूड ऑप्ट कर सकते हो। तो मेस फूड में आपको क्या क्या मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, तो ये चारों चीज़ों आपको हॉस्टल मेस फूड में मिल जाएंगी। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एलपीयू में आप नॉनवेज नहीं खा सकते, एलपीयू इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। अगर आप कहीं पे भी पाए गए नॉनवेज खाते हुए एलपीयू के अंदर, तो हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। सो एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि दैट एलपीयू इज़ अ प्योर वेजिटेरियन कैंपस, अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आप कैंपस के बाहर जाके नॉनवेज खा सकते हो। सेकेंड पॉइंट कि सपोज़ आपको हॉस्टल मेस से खाना नहीं खाना, तो बाहर बहुत सारी कैंटीन्स होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, हॉस्टल के अंदर भी कैंटीन्स होती हैं, तो आप उन कैंटीन्स और स्टॉल्स से जाके खाना खा सकते हो।
अब आता है थर्ड पॉइंट कि मैंने खुद ने 5 साल LPU में रही हूँ, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि हॉस्टल का मेस का फूड कैसा होता है। और आपको अगर देखना है कि हॉस्टल का मेस का फूड रियलिटी में कैसे दिखता है, तो लाइक एक व्लॉग मैंने ऐड किया होगा, वो पॉपअप हो जाएगा ऊपर राइट कॉर्नर में एट द टॉप, वो पॉपअप हो जाएगा। और मैंने सेम चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो अ डे इन माय लाइफ व्लॉग का नाम है, अ डे इन माय लाइफ, आप वो चीज़ जाके देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मॉल मिल जाएगा, आपको थिएटर मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको DSW मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके कॉलेज लाइफ के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। ओके, तो आप एडमिशन LPU में कैसे लिख सकते हैं, वो है LPU नेक्स्ट। तो आप LPU नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे के भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। मैंने LPU नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया था, मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि लाइक मेरे 12th में थोड़े मार्क्स कम थे, तो इसकी वजह से मैंने LPU नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया था। LPU नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे के भी मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी। अगर आपको मुझसे रोज़ कनेक्टेड रहना है, अगर आपको मेरी डेली लाइफ हरकतें देखनी है कि मैं क्या करती हूँ, तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ देख सकते हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर ये आपको व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ कीप अ लाइक। और अगर आप न्यू यूजर्स हो मेरे चैनल के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग एंड लाइक थैंक यू सो मच गाइज, बिकॉज ऑफ यू गाइज आई रीच टू 1K सब्सक्राइबर्स और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, सो उसके लिए तो लाइक आई विल नेवर फॉरगेट यू गाइज। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग इन ईशी वाइब्स जर्नी एज अ पार्ट ऑफ ईशी वाइब्स। एंड लाइक फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग, अब अगले व्लॉग से मैं अपना फेस शो करके व्लॉग्स रिवील करूँगी। एंड यू नो आई विश कि जो आपने मुझे सपोर्ट दिया है मेरे चैनल के लिए, वो सपोर्ट सेम कंटिन्यू रहे मेरे रेस्ट ऑफ द व्लॉग्स के लिए। Thank you so much. Bye bye. See you in the next. मुझे बहुत अपसेटिंग फील हो रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से शूट नहीं किया, मैं बहुत नर्वस हो गई।